क्या आपने कभी सोचा है इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया को न्यूक्लियर वेपन पावर बनने में 51 साल क्यों लगे? Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ये कहानी है भारत के इतिहास में एक नए पन्ने के जुड़ने की और भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की। ये जवाब है उन सभी कंट्रीज को जिन्होंने इंडिया को कमजोर समझा। 11 मई 1998 का वो दिन था जब हमने 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग की और आपके सामने था वर्ल्ड का 6th न्यूक्लियर वेपन पावर। काफी रिसर्च और टाइम देने के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान शब्दों में इंडिया के न्यूक्लियर वेपन पावर बनने का हिस्ट्री। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेटिंग बूस्टर की तरह होता है। लास्ट वीक हमने 100 सब्सक्राइबर का एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव किया, इसके लिए थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस कहानी के जर्नी को। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन से ये कहानी शुरू होती है और शुरू होता है यूएसए का सुपर पावर बनने का सफर। इसके 2 साल बाद ही यूएसएसआर की भी एंट्री हो जाती है इस ग्राउंड में। कुछ ही सालों में यूके, फ्रांस और चाइना ने भी अपने अपने झंडे गाड़ दिए थे। इन सब के बीच हमारी कहानी का हीरो यानी इंडिया अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है 1945, जब पहली बार होमी जे भाभा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, उनके आइडिया और जेआरडी टाटा के फाइनेंशियल सपोर्ट से इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहा गया, वो सेटअप हो पाया। ये हमारे इंडिया की पहली सीढ़ी थी। इस कहानी को और तेजी मिली जब 1954 में मुंबई में ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट को सेटअप किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी सेटअप किया गया। 1954 की ही बात है जब कनाडा और यूएसए के साथ एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग में ट्रॉम्बे में साइरस नाम का रिसर्च रिएक्टर बनाने के लिए अग्री हो गए। न्यूक्लियर पावर बनने का जर्नी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न था। यही वो आइडियल फैसिलिटी था जिससे प्लूटोनियम डिवाइस बनाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में फ्यूल का काम करता है। आप इसको अपने गाड़ी के पेट्रोल जितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। यूएसए और कनाडा को इस अग्रीमेंट का पछतावा कुछ सालों बाद होता है। इसमें एक फनी एंगल भी है जिसे आप थोड़ी देर में समझेंगे। कहानी अब 1962 पर आ चुकी है, वो समय जब चाइना ने इंडिया में बहुत ही घातक अटैक किया था और कुछ पार्ट्स को कैप्चर कर लिया था, जो आज भी अक्साई चीन के नाम से चाइना के ही अंडर में है। इस टाइम तक हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का परमिशन नहीं दिया था, लेकिन इस चाइनीज अटैक के बाद उन्हें भी सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर पावर के बारे में सोचना ही पड़ा। यहाँ से आगे का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, काफी सारे मुश्किलें आई इस जर्नी में, जिसमें से 1962 का चाइनीज अटैक पहले नंबर पर था। इस प्रॉब्लम से हम उभर भी नहीं पाए थे और 1965 में यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर लिया। ये ट्रीटी उन 5 कंट्रीज का बनाया हुआ ट्रीटी था जो पहले से न्यूक्लियर पावर है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो सारे कंट्रीज जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग कर लिया था, केवल उन्हीं कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन स्टेट समझा जाएगा। बाकी बचे जो कंट्रीज इस ट्रीटी को साइन करते हैं, वे कभी फ्यूचर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव नहीं बनाएंगे। ये तो वैसी फीलिंग हो गई जब आपके पापा ने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया हो और आपको मना किया जा रहा है। वेल, इंडिया ने कभी इस एनपीटी को साइन नहीं किया है। 1966, 11 जनवरी को शास्त्री जी और 25 जनवरी को भाभा जी के मिस्टीरियस डेथ ने तो जैसे सबको शॉक ही दे दिया, लेकिन इस प्रॉब्लम में भी हम पीछे नहीं हटे। इंदिरा गांधी के पीएम बनते ही फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम का काम शुरू हो गया। इस बार न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड विक्रम साराभाई को बनाया गया, जो कि गांधीयन नॉन वायलेंस के फिलॉसफी को मानते थे, इसलिए इस प्रोग्राम को कोई मिलिट्री डेवलपमेंट ना कहते हुए एक पीसफुल प्रोग्राम कहा गया। अब तक पीएम ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट की बात की थी, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग के डिसीजन नहीं आए थे। 1967 के बाद एक नया टर्न शुरू होता है जब इंदिरा गांधी ने साराभाई और एलके झा को न्यूक्लियर सिक्योरिटी के गारंटी के लिए रशिया, यूके, यूएसए और फ्रांस भेजा था उनके ज्वाइंट गारंटी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। एक साल बाद जब पीके आयंगर, जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब के डिजाइनर थे, इन्हें रशिया भेजा गया, वहाँ प्लूटोनियम फ्यूल्ड पल्स्ड फास्ट रिएक्टर को देखकर वो काफी इंप्रेस हुए और उसी से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया में एक सीक्रेट प्लूटोनियम प्लांट सेटअप किया गया और उसका नाम रखा गया पूर्णिमा। अब आता है 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर। वॉर में तो हमने भले ही पाकिस्तान को अच्छा जवाब दिया, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि उसी समय यूएसए का एक शिप बैटल ग्रुप बे ऑफ बंगाल और यूके के एक शिप अरेबियन सी की ओर आ रहे थे, ताकि इंडिया को वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड से घेरा जा सके। यहाँ हमारा हेल्प किया यूएसएसआर ने, जिसने न्यूक्लियर मिसाइल्स वाले सबमरीन इंडिया के हेल्प के लिए भेजा था, जिससे यूके और यूएसए ने अपने अपने शिप्स पीछे कर लिए थे। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब इंदिरा गांधी ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन होने के इम्पोर्टेंस को देखा और इसके बाद ही 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर डिवाइस बनाने और टेस्टिंग की फुल परमिशन दी गई। इस डिवाइस का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसका लुक बहुत ही सिमिलर था अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब फैटमैन से, जिसे नागासाकी पर गिराया गया था। 18 मई 1974 को बुद्ध जयंती के दिन ये टेस्टिंग किया गया।
बॉम्ब को बनाने में जो प्लूटोनियम यूज हुआ था उसे साइरस रिएक्टर से ही लिया गया था। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जिस फनी एंगल की बात की थी वो यहाँ है। इंडिया को टेस्टिंग से रोक रहे यूएसए और कनाडा ने ही इनडायरेक्टली हमें प्लूटोनियम और हैवी वाटर दिया, जिसका यूज इस टेस्टिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस टेस्टिंग को बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया था, यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्टर को भी इस मिशन की जानकारी नहीं थी। एक्सटर्नल मिनिस्टर को भी 48 घंटे पहले ही जानकारी दी गई थी। इसमें शामिल कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर होमी सेठना, राजा रमना और बसंती नाग चौधरी को 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पर इन सबके बाद भी, क्योंकि इंडिया ने इस मिशन को एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा था, इसलिए वर्ल्ड के नजरों में तब भी इंडिया न्यूक्लियर नेशन नहीं बन पाया था। इसके कुछ और निगेटिव इम्पैक्ट देखने को भी मिले, जैसे यूएसए ने इंडिया पर काफी सैंक्शंस डाले, इंडिया पर यूएसए के द्वारा निगरानी में रखा जाने लगा। सबसे बड़ी और बुरी चीज जो थी वो था एनएसजी का फॉर्मेशन। एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाले मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी मेंबर कंट्रीज हैं केवल उन्हीं के बीच न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट होंगे। आज इस ग्रुप में 48 मेंबर्स हैं। सारे ही मेंबर कंट्रीज इंडिया को इंक्लूड करने के फेवर में है, सिवाय एक के, वो है हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना। इन सबके साथ इमरजेंसी में हुए गवर्नमेंट कोलैप्स के बाद से न्यूक्लियर प्रोग्राम तो जैसे ठंडा ही पड़ गया हो। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मोरारजी देसाई के टाइम पर फिर से ये प्रोग्राम शुरू तो हुआ पर उतार चढ़ाव लगा रहा। और इसी बीच हमारे दूसरे बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान से भी खबरें आ रही थी उनके एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम के। एक ऐसा समय जहां इंडिया के दोनों ही दुश्मन कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन रहे थे, वहां सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पावर को दिखाना बहुत ही जरूरी हो गया था। और इसलिए 1980 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम का हेड बना दिया गया। पीएम नरसिम्हा राव के सपोर्ट से 1995 में हम टेस्टिंग करने की तैयारी ही कर रहे थे कि अमेरिका के सैटेलाइट से क्लिक किए फोटोज को देखने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सीधे फोन पर ही पीएम से ये मिशन रोकने को कह दिया। So again I ask India to halt its nuclear weapons program. इन्हीं सब के बीच कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी भी साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को एयर में, वाटर में या लैंड पर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की परमिशन नहीं थी। लेकिन इंडिया ने इस ट्रीटी से बचने के लिए बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन निकाला। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को अंडरग्राउंड रखा था। इंडिया पूरी तरह से टेस्टिंग के लिए रेडी था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज था अमेरिका के स्पाई इंटेलिजेंस से बचना। पाकिस्तान के टेस्टिंग साइट से कंपैरिजन करें तो वहाँ के हाई अल्टीट्यूड और माउंटेन में पेड़ों के बीच डिटेक्ट को पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इंडिया के पास ऐसे कंडीशंस नहीं थे। हमारे पास जो सुटेबल प्लेस था वो था राजस्थान का पोखरण, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया था तो बहुत ज्यादा चांसेस थे सैटेलाइट के पिक्चर में इजिली कैप्चर हो जाने के। इसी सीक्रेसी को ध्यान में रखते हुए सारे काम रात में किए जा रहे थे। इक्विपमेंट को मॉर्निंग होने से पहले अपने जगहों पर रख दिया जाता था। सेंसर केबल्स को भी सैंड से कवर कर दिया जाता था। और तो और, उसके कुछ दूर पर ही क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कराया जा रहा था, ताकि इंटेलिजेंस एजेंसी डिस्ट्रैक्ट होकर ये समझे कि ये तो केवल एक टूर्नामेंट है। सारे साइंटिस्ट को आर्मी के यूनिफॉर्म में ही रहना होता था, वो अपना असली नाम का भी यूज नहीं करते थे, कोड नेम में बात किया करते थे। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मिशन के चीफ अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम और बाकी साइंटिस्ट ने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया। 1998 के टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बड़े बुलंद शब्दों में कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस टेस्ट साइट को दो ग्रुप में बांटा गया था। फर्स्ट ग्रुप में तीन डिवाइस की टेस्टिंग होनी थी। 11th May 1998 दोपहर के 3:45 हो रहे थे। पूरा राजस्थान हिल उठा जब फर्स्ट ग्रुप के तीन डिवाइसेस की टेस्टिंग एक साथ एक ही समय पर हुई। इसके बाद यूएसए ने बहुत ही कड़वे शब्दों में इंडिया पर सैंक्शंस डालने की बात कही। लेकिन अब क्या, अब तो हमारा देश एक न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी वाला कंट्री बन चुका था। इसी दिन को ध्यान में रखते हुए हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इसी के साथ सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे साउथ एशिया में एक नया स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जुड़ गया। यही कहानी थी इंडिया के न्यूक्लियर नेशन बनने की। महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस वाले इस कंट्री में ये न्यूक्लियर बॉम्ब का होना सही है या गलत, ये हम आपसे कमेंट्स में जानना चाहेंगे। लेकिन इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में ये साफ किया था कि हम कभी फर्स्ट यूज कंट्री नहीं बनेंगे, कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमारे वीडियो को हम इस क्लिप के साथ एंड करते हैं। जब कलाम सर से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट पर गिल्ट फील हुआ, तो उनका जवाब कुछ ये था। पीस कम्स आउट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, पीस, दैट इज हाउ वेपनाइज्ड मिसाइल्स वर बॉर्न।
और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया और कुछ न्यू बातें जानने को मिला तो हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।